ये देखिए ठंडी हो चुकी है अपनी चिक्की। अब इसको ये देखिए जब सही बनती है ना तो ऐसे उतर ये पीसेस देखो कितने अच्छे पीसेस हैं। नमस्कार, मैं सरोज पठेला, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की चिक्की। मूंगफली की चिक्की ये सबको खाना बहुत ही पसंद होता है। सर्दियों में तो ये बहुत ही हेल्दी होती है, जब बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 200 ग्राम गुड़ ली है और 200 ग्राम ही ये रोस्टेड गिरी है जो बाज़ार में आराम से मिल जाती है। 200 ग्राम मैंने ये ली है और आधा चम्मच ये मैंने घी लिया है। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रख के और उसमें ये गुड़ डाल लेंगे। ये घी डाल दिया, इसमें पानी नहीं डाला, ये गुड़ अपने आप मेल्ट होएगा। इसको एक बार गैस फुल पे है और जैसे ये थोड़ा कढ़ाई और ये गुड़ गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इसको सिम पे करेंगे। इसको सिम पे ही पकाना है। अब मैंने गुड़ सिम पे कर दिया, मैंने गैस सिम पे है। इसमें कोई भी आपका मोटा पीस आ रहा है इसका तो इसको आप स्पैचुला से तोड़ दो। ये देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है इसका, लेकिन अभी इसको और पकाना है। अभी इसको चेक करने के लिए गैस सिम पे ही है, ये पूरा सिम पे ही बनेगा। और मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली है, आप जो भी कढ़ाई लोगे भारी तल्ले की होनी चाहिए, हल्की नहीं होनी चाहिए। ये कटोरी में पानी लिया है, इसमें आपको इसकी पहचान बताते हैं। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर देखते हैं इसको। ये देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, ये ऐसे करेंगे कि एकदम टूटना चाहिए। तो मतलब ये कि अपनी चास अभी और बनेगी। ये लिए दोबारा चेक करते हैं इसको, पानी में डाला, इसका कलर भी काफ़ी गुड़ का चेंज हो गया। ये देखिए ये टूटने लग गया, इसका मतलब ये है कि अपना गुड़ है जो रेडी है। ये देख आप ये भी पहचान कर सकते हो, देखो इसका कलर कितना चेंज हो गया है, कितनी शाइन दे रहा है ये गुड़। ये बहुत अच्छी बनती है, घर में बनाओ, बाज़ार में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको 10 मिनट लगते हैं बनाने में। ये देखिए ये मैंने इसमें मूंगफली के गिरे डाल दी, गैस बंद कर दिया। मैंने ये एक थाली ली है जो ग्रीस करके रख ली, अब इस पर इसको पलटेंगे। अब ये कटोरी एक उसको ग्रीस कर लिया मैंने, उससे इसको धीरे 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 फैलाएंगे इसको बहुत आराम से। ये बेलन को ग्रीस किया, अब बेलन से इसको इसकी थोड़ी शेप देनी है ना, चौरस टिक्की बनाएंगे। ये लिए ये बेल गई, इसको साथ के साथ काट दो, बाद में ये कटेगी नहीं। ये कट लग गए हैं, अब इसको एक घंटा ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए ठंडी हो चुकी है अपनी चिक्की। अब इसको ये देखिए जब सही बनती है ना तो ऐसे उतर ये पीसेस देखो कितने अच्छे पीसेस हैं। एक बार आप बना लोगे ना तो बाज़ार की खाने का मन ही नहीं करेगा दोनों तरफ। ये देखिए अगर वीडियो पसंद आ जाए ना तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।